नमस्कार, बड़ी बात में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। हरियाणा की खेल नीति पर हरियाणा सरकार के खिलाफ खिलाड़ी पहले से सामने आ चुके थे, खिलाफत लगातार की जा रही थी। अब सरकार के अपने ही सवाल खड़े करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को हरियाणा की खेल नीति पसंद नहीं आई है और सवालों के घेरे में इस नीति को लिया गया। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के विरोध से शायद सरकार परेशान ना भी होती, लेकिन मंत्री जी के बयान ने विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खिलाड़ी और विपक्ष के निशाने पर आई खेल नीति अब अपनों के निशाने पर भी आ चुकी है। कई बार अपने बयानों से सरकार से मुखर रहने वाले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खेल नीति पर भी सरकार के खिलाफ नजर आए हैं। हरियाणा की खेल नीति का खिलाड़ियों ने तो विरोध किया ही था, अब तो केंद्रीय मंत्री भी विरोध करते नजर आए हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के उन मंत्री और अफसरों को निशाने पर लिया है और कहा कि सरकार की नीति ही गलत है। केंद्रीय मंत्री ने उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाया और वो हरियाणा के किसी जिले से हो और मैंने उसे अपने मंत्रालय के किसी भी विभाग से 20 लाख या 50 लाख दे दिए हो, तो हरियाणा सरकार को क्या हक है कि वो मेरे विभाग की ओर से दी गई राशि की अपने घोषित राशि में से कटौती करे। मैं वीरेंद्र सिंह किसी खिलाड़ी को जो मेरा हरियाणा का है मैं उसको 20 लाख रुपए दूं, ले भाई मैं आपको 20 लाख देता हूं, या मेरी मेरे पीएसयूज है, सेल है, आरआईएनएल है, एनएमडीसी है, उससे मैं सम्मानित करा दूं 20 लाख रुपए इस खिलाड़ी ने कमाल किया, तो राज्य सरकार किस, ये राज्य सरकार तो उसको 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया 75 लाख उसको सम्मानित करने के लिए देती है और कौन कितने दे उससे राज्य सरकार का क्या मतलब। ये जो सोच है कि हम उसके इतने कम कर देंगे, मैं इसका बिल्कुल, ये गलत सोच है, हमारे को इस तरह सोचना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की खेल नीति के तहत नौकरी देने की योजना अगर ठीक हो तो खिलाड़ी रेलवे और केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये तक कहा कि मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ और उनकी बात का समर्थन भी करता हूँ। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की सरकार की खेल नीति का विरोध करता हूँ। केंद्रीय मंत्री ने ये तक कहा कि जिन्होंने इस योजना को तैयार किया है उन्हें खिलाड़ियों से जुड़ी जानकारी तक नहीं है। अगर हम जैसे हमारी स्पोर्ट्स नीति में आया कि उनको अच्छी अच्छी नौकरियां देंगे, तो नौकरियां अच्छी देंगे तो वो दूसरी जगह रेलवे में या उसमें क्यों जाएंगे, फिर यहीं से भी हो सकता है। लेकिन ये सोच रखना कि हम उसके पैसे कम कर दें जितने उसको बाहर से मिले, तो ये कोई ठीक नहीं है। आपका मानना है कि इस पर सहमत नहीं है? नहीं, उस सहमत क्या, मैं उसका विरोध करता हूँ बिल्कुल, और मैंने ये बात अपनी सरकार को कही है कि इस पॉलिसी को आप सोचो दोबारा से और वो ठीक करेंगे, मेरे को पता है कि। बहरहाल इससे पहले 26 अप्रैल को खिलाड़ियों का सम्मान समारोह भी स्थगित करना पड़ा था। सरकार का ये पक्ष है कि सरकार रेलवे या बाकी किसी सरकारी संस्थानों की ओर से खेले खिलाड़ियों को पूरी राशि देकर राज्य की ओर से खेले खिलाड़ियों से भेदभाव नहीं कर सकती। कल सम्मान समारोह आयोजित किया जाना था, उसको रद्द कर दिया गया। क्या वजह है? हमारी जो खेल नीति है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने इनाम केवल जो हरियाणा से खिलाड़ी खेले हैं उनको देने हैं, लेकिन फिर भी जो हरियाणा से खिलाड़ी नहीं खेले थे उनके मन में कोई ऐसा भाव ना उत्पन्न हो कि हरियाणा से खेलने वाले को तो 1.5 करोड़ रुपया मिले और रेलवे से खेलने वाले को जो रेलवे की आज तक की नीति है 5 लाख रुपए है, कोई उनमें हीन भावना ना आए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये निर्णय किया था कि हम पॉलिसी को रिलैक्स करके जो हरियाणा से खिलाड़ी नहीं खेले हैं उनको भी, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनको जो मिलने वाली इनाम की राशि है
उससे जो उनको उनके डिपार्टमेंट से राशि मिलती है उसको कम करके उनको भी इनाम देने। रेलवे की ओर से खेले गए सारे खिलाड़ियों का ये कहना ही था कि वो हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं, हरियाणा का नाम उन्होंने रोशन किया है। सरकार इनामी राशि में कटौती कर खिलाड़ियों के साथ गलत कर रही है। बहरहाल विपक्ष की आलोचना भी समझी जा सकती है। देखिए, खिलाड़ियों को पूरे पैसे देने चाहिए। सरकार जो मापतोल की नीति अपना रही है वो बहुत गलत है। सरकार को जब उन्होंने अपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम अमाउंट देंगे तो उसमें कटौती क्यों कर रही है सरकार? ये मापतोल क्यों? हरियाणा के लोगों के साथ ये धोखा क्यों कर रही है सरकार? जब पहले जो नीतियाँ थी हमारे टाइम की, जो स्पैट नीति थी, अब उसको स्पीड में बदल के क्या झोल किया है ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जहाँ तक हम कह रहे हैं कि जो हरियाणा के लोगों का पैसा जो खिलाड़ियों मिलना चाहिए वो हरियाणा सरकार को देना चाहिए। खिलाड़ियों की नाराजगी पर भी सरकार जवाब दे ही रही थी। अब खुद अपने ही मंत्री की ओर से खेल नीति को गलत करार देना सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि अपनी खेल नीति पर खुद अपनी पीठ थपथपाने वाली हरियाणा सरकार अपने फैसले पर बैकफुट पर आती है या नहीं। चंडीगढ़ से खबर अभी तक के लिए कुमार रमेश के साथ ज्योति सांगवान की रिपोर्ट। तो सवाल वही है कि क्या एक बार फिर से खेल नीति में बदलाव करेगी हरियाणा सरकार, क्योंकि एक बार पहले जहां जो खिलाड़ी है वो नाराज चल रहे थे, खुलकर विरोध कर रहे थे, तमाम जो खिलाड़ी थे जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत और हरियाणा का नाम रोशन करके आए, लौटे, लेकिन निराशा हाथ लगी। साफ तौर पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने ये तक कहा था कि हरियाणा सरकार ने एक गलत फैसला लिया है, हमारा मनोबल तक गिरा है। ये आरोप थे हरियाणा सरकार पर खिलाड़ियों के। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब जो विपक्ष है उसको बड़ा मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि बीरेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि गलत सोच ये हरियाणा सरकार की है। बिल्कुल, विपक्ष लगातार हमलावर है, अभी मौका दिया है खुद सरकार के अपनों ने। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको देते हैं, इसी मसले से जुड़ी बड़ी खबर ये हमारे पास आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसी विषय को लेकर वो सरकार पर हमलावर रहेंगे, खेल नीति को लेकर वो सरकार को घेरेंगे। और बड़ी खबर इसलिए भी इसे कहेंगे क्योंकि लगातार जो है खिलाड़ी विरोध कर रहे थे खेल नीति का, ये कह रहे थे कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है, विपक्ष कह रहा था लगातार, तो अब पूर्व सीएम भी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चौतरफा घेरने वाले हैं। और जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी मिल गया है क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिस मुद्दे पर हम आज बड़ी बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि मैं खुद विरोध करता हूं इस ऐसी खेल नीति का जो खिलाड़ियों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है ज्योति, जिस तरह से ये कहा गया है उनके द्वारा कि अगर मेरे विभाग से किसी तरह से भी कोई कमी रह जाए या मैं खुद राशि बांटना चाहूं तो हरियाणा सरकार को किस तरह का हक है? बिल्कुल हक नहीं है राशि में किसी भी तरह की कटौती करने का। चलिए इस खबर पर पूरी जानकारी लेंगे। कुमार रमेश हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पर है। रमेश, हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जानकारी क्या? सवाल दोबारा पूछिए जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुमार रमेश क्या कुछ जानकारी आपके पास है? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कुमार रमेश? हेलो, चलिए एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे, एक बार फिर से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते अभी हालांकि संपर्क नहीं हो पाया, हमारी आवाज कुमार रमेश तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन पूरी जानकारी जरूर लेंगे क्योंकि खबरें अभी तक लगातार इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया से जो खिलाड़ी देश का नाम साथ ही सूबे का नाम रोशन करके वापस लौटे, तो इनामी राशि को लेकर जो पूरा बवाल विवाद देखा गया उसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की ओर से भी कह दिया गया कि गलत है ये खेल नीति, गलत है इनामी राशि में कटौती किया जाना। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इसी मसले पर सरकार को वो हमलावर होंगे। और खेल नीति का विरोध लगातार हो ही रहा है, और ये भी खबरें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं जो सरकार है क्या बैकफुट पर आएगी। बिल्कुल, इसी विषय पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। कुमार रमेश हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से एक बार फिर से फोन लाइन पर है। रमेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? रमेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो खेल नीति को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां, जैसे इनेलो की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, सरकार पर हमलावर है, सरकार की जमकर आलोचना की जा रही है। खिलाड़ियों का साफ कहना है कि इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि खिलाड़ियों की इनामी राशि में कोई भी तर्क देकर कटौती की जाए। अभी सरकार का पक्ष ये है कि जो राज्य की ओर से खेले, राज्य सरकार की ओर से खेले हैं, उन खिलाड़ियों के साथ किसी तरह का पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, उनकी इनामी राशि रेलवे की ओर से या बाकी किसी भी संस्थान की ओर से खेले खिलाड़ियों की
तुलना में कम ना हो, जिसके चलते सरकार की ओर से फैसला लिया गया। इसी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से बयान दिया गया है, उनको खेल नीति पसंद नहीं आई, वो सरकार पर खुद हमलावर नजर आए। उनका कहना है कि पता नहीं किसने सुझाव दिया है, लेकिन सुझाव ठीक नहीं है। खिलाड़ियों की इनामी राशि में कटौती नहीं की जानी चाहिए। चलिए चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। प्रवीण अत्री साहब हैं हमारे साथ, इनेलो प्रवक्ता, साथ ही केवल ढींगरा साहब हैं हमारे साथ, हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता आप हैं, गुरमेल खिलाड़ी है हमारे साथ पैनल पर, और कृष्ण कुमार आप कोच हैं, साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट आप रखे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के 2002 के। बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे उमेश अग्रवाल जी, जो कि मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत उमेश जी आपसे ही करेंगे, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अग्रवाल साहब जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। आज जो वीरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इनामी राशि में कटौती किया जाना बहुत गलत है सरकार की ओर से, बताइए। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे सम्मानित नेता हैं, उनका जो भी सुझाव है वो पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उनके सुझाव पर पार्टी विचार करेगी। जहां तक बात है खिलाड़ियों की नामी राशि कटौती करने का जी, हम सभी खिलाड़ियों को समान रूप से देखते हैं और समान रूप से उनको नामी राशि देना चाहते हैं। यदि कोई खिलाड़ी रेलवे की तरफ से खेलता है और रेलवे रहने वाला वो हरियाणा का है, खेलता रेलवे की तरफ से है, उसने इनाम जीता, ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन वो इनाम की राशि उसको रेलवे भी दे रहा है, तो जो खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेलता है वो ये कहता है कि चलिए इस पर विस्तार से जवाब दीजिएगा। मेरा आपसे एक और सवाल है, आपने कहा कि उनके जो भी सुझाव होंगे, क्या आपको लगता है सुझाव दिया गया है या फिर आलोचना की गई है? सुझाव दिया जाना होता सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर सुझाव दे देते, वो मीडिया के सामने आए हैं, आपकी पार्टी की आपकी सरकार की जो खेल नीति है उसकी आलोचना की गई है, सुझाव नहीं है। और एक सवाल मेरा भी है उमेश जी आपसे, कि आपने कहा कि सुझाव पर विचार करेंगे, क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पर आएगी, बदलाव हो सकता है आपकी खेल नीति में? बैकफुट का कोई मतलब नहीं है, ये कोई बैकफुट नहीं होता, सुझाव हमेशा आते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, बदलाव की कोई बात नहीं है। आपने कहा था मेरा जो कहना है, मेरा जो कहना है, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरा कहना ये है कि जो खिलाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं और वो उसमें से कोई खिलाड़ी किसी दूसरी संस्था की तरफ से खेलते हैं, कोई रेलवे की तरफ से खेलता है, किसी और की तरफ से खेलता है, उसको रेलवे भी इनामी राशि देती है जी। तो हरियाणा से खेलने वाला खिलाड़ी ये कहता है कि मेरा क्या कसूर था कि मुझे इनामी राशि कम मिली? किसी खिलाड़ी ने कहा आप लोगों को, किसी खिलाड़ी ने ये शिकायत की कि रेलवे की ओर से खेले खिलाड़ियों की, सुनिए ये बात आई थी, कौन से खिलाड़ी, सारा चेंज किया गया है। उमेश जी एक सवाल आपसे है, बबीता फोगाट है अभी जो आए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से, भारत का नाम रोशन किया, हरियाणा का भी किया, आपने भी कहीं ना कहीं जो है उपलब्धियों पर तारीफें की है उनकी, उनका कहना है कि सरकार अवार्ड बांटने में कंफ्यूज है। नहीं, कंफ्यूज नहीं है सरकार कहीं भी, ये सुझाव हमारे अधिकारियों की खिलाड़ियों की तरफ से आया कि भी जो खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेलता है उसको इनाम कब मिला, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट का इनाम उसको नहीं मिला, तो वो कहता है क्या लगता है खिलाड़ियों के सुझाव या फिर खिलाड़ियों की ओर से कहा गया कि राज्य की ओर से जो खेले हैं उनकी इनामी राशि कम हो जाएगी, जिसके चलते सरकार ने फैसला लिया? देखिए ये सरकार की जो पॉलिसी है वो 2015 की है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी पॉलिसी थी स्पैट, वो स्पैट पॉलिसी के नॉर्म्स चेंज करके इन्होंने उसको स्पीड कर दिया, और स्पीड में सारे नॉर्म्स चेंज कर दिए। अब उस नॉर्म्स की एक क्लॉज पढ़ के मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने स्पीड में है, द कैश अवार्ड मनी विल बी Only will be given to those sports person who has represent the state of Haryana in any sports. आप ये देखिए कि जो पहले वाली थी पॉलिसी उसके अंदर हरियाणा के लोग कोई भी हो उसको अमाउंट पूरी दी जाएगी, ये था जो पहले स्पैट था, यानी जो स्पीड इन्होंने किया उसके अंदर एक लाइन जरूर इन्होंने पॉलिसी के अंदर चेंज कर दी, जो कि वीरेंद्र सिंह जी भी यही बात कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये उमेश अग्रवाल जी ये बात बताएं कि ये लाइन जो डाली है जिसके अंदर आप उनको अमाउंट की राशि नहीं देना चाहते, ये लाइन आपने क्यों चेंज की है? आप क्या हरियाणा के लोग नासा से आए हुए हैं जो लोग कहीं और काम करते हैं? साहब आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसी थी उसको मॉडिफाई तो आपने किया, लेकिन ये चीज क्यों आपने डाली, किस तरह से भेदभाव हो खिलाड़ियों में? नहीं, खिलाड़ियों में भेदभाव के लिए पॉलिसी नहीं बदली,
बल्कि पिछली सरकार में ये होता था कि पिछली सरकार में नहीं है, आपने किया ये चीज़। आप सुन तो लीजिए जी, पिछली सरकारों में ये होता था कि कोई खिलाड़ी कहीं का भी है उसको हम क्लेम करते थे ये हरियाणा का है, जो हरियाणा से कभी रहा नहीं, जो हरियाणा से कभी खेला नहीं, जिसका हरियाणा से कोई वास्ता नहीं उसको भी क्लेम किया जाता था कि ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। मतलब आप कृष्ण कुमार जी हरियाणा से नहीं है, गुरमेल सिंह जी हरियाणा से नहीं है क्या, आप ये कहना चाहते हैं? आपको ये आपको किसने कहा कि गुरमेल सिंह जी या कृष्ण कुमार जी नहीं है? तो फिर आप जो खिलाड़ी नहीं है उनकी बात कर रहे हो अमाउंट में, मैं बता रहा क्यों कर रहे हो फिर अमाउंट में, मैं बता तो रहा हूँ आपको, जब ये पॉलिसी में आपने ये लाइन डाली इसीलिए तो कटौती हो रही है। मैं बता रहा हूँ ना क्यों कर रहे हैं, कि जो खिलाड़ी दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे हैं उनको वहाँ से भी इनामी राशि मिल रही है। अग्रसाब आपको भी चर्चा करने के लिए क्या हो रही है, पहले भी ऐसा ही था, पहले भी ऐसे स्पैट में ऐसा ही था, अब स्पीड में आपने चेंज क्यों की है लाइन? देखिए मैं सवाल दोहरा दूं, हालांकि पहले भी हमने चर्चा की, पहले भी बिंदु बार बार निकल कर सामने आया, जब मेडल्स की चर्चा होती है, जब मेडल्स की फहरिस्त की बात आती है, सरकार को साधुवाद लेना होता है तो सरकार सारे मेडल्स का जिक्र करती है, इश्तेहार जो दिया जाता है उसमें तमाम नाम दिए जाते हैं, जब लेकिन इनामी राशि देने की बारी आती है तो फिर इस तरह की टालमटोल। देखिए ज्योति, पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने चिर परिचित अंदाज के अंदर शब्दों की बाजीगरी करते हैं और अग्रवाल साहब भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जाएगा, जबकि वीरेंद्र सिंह जी ने कोई सुझाव नहीं दिया, उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया। जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या विचार करेंगे तो फिर वो शब्दों की बाजीगरी करते हैं। अभी यहां पे जो लाइन स्पोर्ट्स पॉलिसी की ढींगरा साहब ने बोली, द कैश प्राइज विल बी गिवन हु रिप्रेजेंट द हरियाणा इन एनी स्पोर्ट, मैंने पहले भी चर्चा में ये बात कही थी कि प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा राष्ट्रीय खेलों में, क्योंकि जब खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खेलों में जाता है तो वो देश को रिप्रेजेंट करता है। कॉमनवेल्थ में जब जाते हैं खिलाड़ी तो वो भारत के झंडे को लेके वहां पे मार्च करते हैं, उस वक्त देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना पड़ेगा। जो पॉलिसी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए होनी चाहिए थी, आज वो पॉलिसी बन गई खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने की। होना ये चाहिए था कि सरकार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाती, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, सरकार खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ रही है। एक उदाहरण देता हूं मैं इसके लिए, कर्णम मलेश्वरी जो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल लेके आई थी, ज्योति, वो आंध्रा से बिलोंग करती थी बट उनका ससुराल हरियाणा में था, वो हरियाणा की तरफ से खेलती थी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, उनको खेल नीति के तहत कैश प्राइज दिया गया और बाकायदा प्लॉट दिया गया जब चौटाला साहब को यह पता लगा कि उनके पास अपना घर भी नहीं है। ये होता है कि आप खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहित करते हो कि वो और बेहतर करें और अच्छा करें, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन। उमेश जी, मैं अत्रे साहब की बात ही आगे बढ़ाऊंगा, मेरा भी सवाल ले लीजिए साथ के साथ। इन्होंने कहा कि मनोबल आप तोड़ रहे हैं खिलाड़ियों का। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट, गीता और बबीता के पिताजी, उन्होंने भी ये बात कही है कि आप मनोबल तोड़ रहे हैं खिलाड़ियों का, जब वो हरियाणा के रहने वाले हैं तो इस तरह का भेदभाव क्यों? चलिए हम समझ गए आपकी बात, उनको कैसे समझाएंगे आप, जो जनता आपको देख रही है उनको किस तरह किन शब्दों में समझाएंगे? उनके लिए मैं आपको ये अभी आपने दो तीन बातें की उसको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी जिक्र किया है कि राष्ट्रीय खेलों में लोग हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों के अंदर तो लोग रेलवे का या दूसरे डिपार्टमेंट का, एयरलाइन का, उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और चाहे वो हरियाणा के रहने वाले हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे बंगाल के हों, वो जिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने खेल के आधार पर नौकरी प्राप्त की है, वो उस डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं राष्ट्रीय खेलों में। अब जहां तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात है, निस्संदेह वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर देश को रिप्रेजेंट किया और देश के लिए सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत के खिलाड़ियों ने इतने सारे मेडल जीते, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हम कहीं खिलाड़ियों को हतोत्साहित नहीं कर रहे, हमारी जो खेल नीति है जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन करके आया अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, खिलाड़ी संबंधित है हरियाणा में, पूरा देश उसको इनाम दे सकता है और देते हैं, दूसरी स्टेट्स भी देती है, तो आप इस तरह से कट क्यों कर रहे हैं? आपको तो चाहिए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो आपने किया हुआ है उनको वो इनाम दीजिए। नहीं, वो इसलिए कट कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है, हमने उसको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए जो भी राशि दे रहे हैं,
और दूसरा खिलाड़ी भी हरियाणा का रहने वाला है लेकिन वो रेलवे को रिप्रेजेंट करता है, रेलवे ने भी उसको 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर दी, तो जो हरियाणा का खिलाड़ी है वो ये बात कहेगा कि मेरा इनाम राशि बढ़ा दीजिए, बराबर ला दीजिए, आप हौसला बढ़ाइए, उनका हौसला तोड़िए मत, राशि भी बढ़ जाएगी, उनका हौसला मत तोड़िए, हौसला नहीं तोड़ा जा रहा है, जो खिलाड़ी हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका क्या कसूर है ये बताइए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत कर आए हैं वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं जी कृष्ण जी। मेरा ये मानना है जब हम मेडल जीत के आते हैं तो हर स्टेट अपना सराय लेती है कि भाई ये हरियाणा का हरियाणा से रिप्रेजेंट किया है, हमारे टोटल मेडल 20 आए हैं, 25 आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्समैन को कोई भी किसी भी गेम का है जब तक हम उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो युवा खिलाड़ी आगे नहीं आएंगे। और ये है कि आप मान लो आप ऐसे कटौती करते रहेंगे तो मतलब हमारा स्पोर्ट्समैन ऊपर जाने की बजाय नीचे जाएगा, मतलब इसको आप कटौती के रूप में नहीं देखें, 2002 के इसको आप कटौती के रूप में ना देखें, ठीक बताइए, इसको आप समानता के रूप में देखें कि जो खिलाड़ी हरियाणा का रहने वाला है राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है, आप हरियाणा बीजेपी का जवाब देंगे ना, आपकी जिम्मेदारी क्या है, हरियाणा का नाम रोशन किया, तिरंगे के लिए खेले, तिरंगे के नीचे खेले, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप राशि में कटौती करेंगे? नहीं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि सबका साथ सबका विकास सबको समान देखो सर ऐसा है, आप बोल रहे हो कि हरियाणा का खिलाड़ी होना चाहिए, हरियाणा के तो वो भी है, कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, कोई आर्मी में जॉब कर रहा है, तो वो भी हरियाणा से, आपकी ये बात क्या करता है, वो हरियाणा से रिप्रेजेंट। उमेश जी, खिलाड़ी ने ये तक कहा है कि आप अच्छी नौकरी दे दीजिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खेल मंत्रालय की तरफ से खेलने की जरूरत नहीं है, हमारी पॉलिसी के अनुसार हम सबको खिलाड़ियों की बात दे रहे हैं। चलिए आपसे आपको काफी समय दिया हमने, आपके पास आएंगे अभी। 2002 में आप गोल्ड मेडल लेकर लौटे, क्या प्रावधान था और कितना सम्मानित किया गया था? सम्मान बहुत अच्छा किया था, और उसके बाद मैं 2002 में मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट आया था जी। तो उसके बाद तो काफी नीतियां चेंज हो चुकी हैं, ये जब उस टाइम तो हरियाणा में हमारे को 20 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे, तो हरियाणा सरकार ने 7-7 लाख रुपए थे, तो मतलब उस टाइम पे अच्छा किया था, उसके बाद ही मतलब चेंज होता रहा है, बहुत अच्छा होता रहा है, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि कोई भी मान लो हरियाणा का खिलाड़ी कहीं भी है, रिप्रेजेंट चाहे रेलवे से कर रहा है, चाहे आर्मी से कर रहा है, चाहे किसी और डिपार्टमेंट से कर रहा है, लेकिन जन्म तो हरियाणा में लिया है, वहीं से पला है, पूरा मतलब तगड़ा हुआ है, देश के लिए मतलब रिप्रेजेंट करता है कोई भी है। मेरा मानना यही है कि गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए, मतलब पैसे देने चाहिए, और इतनी बड़ी हरियाणा सरकार है, मान लो 10 स्पोर्ट्समैन ऐसे होंगे जो अदर डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने गुरमेल जी को हम चर्चा में जोड़ ले। गुरमेल जी, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ खिलाड़ी है, आप कहाँ खड़े हैं इस पूरे विषय पर? मैं तो मैडम खिलाड़ी की तरफ ही रहूंगा जी, क्योंकि मैं गेम से बिलोंग करता हूँ, तो मैं स्पोर्ट्समैन की तरफ ज्यादा हो रहूंगा। आपको क्या लगता है सरकार का ये फैसला कितना ठीक है? फैसला तो मैडम ऐसा क्या नाम जी, जो राशि उन्होंने बोल रखी हो उन्होंने देने चाहिए, क्योंकि मनोबल आदमी का तभी बढ़ेगा, कोई भी खिलाड़ी है, पहलवान है या कोई भी गेम का है, अगर उनको आदमी उसी के लिए खेलता, आज के टाइम तो खर्चे भी इतने होने लग रहे हैं, आदमी क्या खाए क्या पिए, तो हर चीज आदमी। केवल ढिंगरा साहब, इसे डिफाइन भी ऐसे ही किया गया, या कह लें कि जस्टिफाई भी ऐसे किया जा रहा है कि हम भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से समझ में आ रहा है कि हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ ही भेदभाव किया जा रहा है सरकार की ओर से। नहीं देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हरियाणा के ही खिलाड़ियों के साथ भेदभाव है, जो इन्होंने ये लाइन डाली है, जो मैंने पढ़ के सुनाई आपको, कि जो रिप्रेजेंट करेंगे हरियाणा को उन्हीं को दिया जाएगा। तो अगर जो आदमी रेलवे की तरफ से, हरियाणा का आदमी अगर बाहर से अगर करता है, उसको क्यों कटौती की जाएगी, ये सरकार जवाब नहीं दे पा रहे। तो वरिंदर सिंह जी इसको ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब जो चौधरी वरिंदर सिंह जी आपको बात बता रहे हैं, या तो आप उनकी बात से सहमत नहीं हो, या फिर आप अपनी बात से सहमत नहीं हो।
आप मुख्यमंत्री और जो सेंटर के आपके मंत्री हैं उनकी दोनों बातों में अलग अलग भी बात कर रहे हो और साथ में ये भी कह रहे हो कि हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कहां से हुआ ये तो बताएं आप जी। मैं बताऊंगा अच्छा हुआ नहीं बताएंगे फिर आप कुछ अच्छा बताएंगे बताइए। आप आराम से इस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए हॉकी की टीम ने या किसी कॉमन ऐसे टीम ने वो जीता है गोल्ड मेडल, हम उसको एक खिलाड़ी हरियाणा का है और दूसरा खिलाड़ी हरियाणा का होते हुए दूसरे डिपार्टमेंट से खेल रहा है, एयरलाइन से या रेलवे से या सेना से खेल रहा है, उसको एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ। ये सरकार कोई भी अमाउंट नहीं देना चाहती किसी भी प्लेयर को, इसीलिए यह मामला उठाया है और इसीलिए ये मामला रद्द करने का काम किया है क्योंकि ये अमाउंट देना ही नहीं चाहता है आप पर। आपका काम आरोप लगाना है, अन्यथा पहली सरकारों ने हमेशा अगले बजट में खिलाड़ियों के नाम पूरे पैसे दिए, आपने वो पॉलिसी का चेंज कर दिया नेम भी और सारी बजट के अंदर तुरंत रुको इनाम देना चाहते हैं, आपने वो पॉलिसी सारी चेंज कर दी है, स्पैट को स्पीड करके उसके अंदर सारे नॉर्म्स चेंज किए हैं। आप कुछ पूछ रहे थे लेकिन मेरा आपसे एक सवाल भी है, क्या ये आवश्यक है कि आपने जो पॉलिसी बनाई है उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूं सरकार काम करेगी, सुनिए सर इस पर भी आप जवाब दीजिएगा और आप सवाल जो कर रहे थे वो भी दीजिएगा, वो संतुष्ट भी खिलाड़ी नहीं आ रही है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रवाद की बात इस तरह से करती है जैसे गोवर्धन पर्वत इन्होंने उठा रखा है, और दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हमारे राष्ट्र का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं, नाम हमारा ऊंचा कर रहे हैं, जब उनको इनाम देने की बात आती है तो इनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण क्यों हो जाती है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो आपने किसी खिलाड़ी का नाम लिया, देखिए व्यक्तिगत विचार हर आदमी के अपने होते हैं और सब अपने व्यक्तिगत विचारों के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी के लिए इफ एंड बट की बात नहीं कर सकते, लेकिन यहां सवाल यह है कि जिस का सहारा लेके कट लगाने की कोशिश सरकार कर रही है, सरकार यह बात क्यों नहीं समझ रही है? वो खिलाड़ी हरियाणा का है, हरियाणा की नर्सरी से तैयार हुआ है, वो खिलाड़ी भले ही बीएसएफ में जॉब कर रहा है, वो खिलाड़ी भले ही एयरलाइंस में जॉब कर रहा है, भले ही रेलवे में जॉब कर रहा है, उसका डिपार्टमेंट उसके खेल से खुश होकर उसको इनाम दे रहा है। हरियाणा की सरकार का कर्तव्य बनता है कि जो इन्होंने इनाम घोषित किए हुए हैं ये उन खिलाड़ियों को वो इनाम दें, ना कि उसमें किसी भी तरह की कटौती करें। दूसरी, ये समानता की बात कर रहे हैं, अगर इतनी समानता इतनी समानता की अगर इनको फिक्र है तो जिन बच्चों को कम राशि मिल रही है उनकी राशि बढ़ा दीजिए, आप उन खिलाड़ियों की राशि बढ़ा दीजिए, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि मैं वही कह रहा हूं, आप एक लाइन को लिख के कटौती करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो लाइन कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजिंग इस तरह से है कि हरियाणा के खिलाड़ी रिप्रेजेंट करेगा लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे दे दीजिए। चलिए सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जवाब दीजिएगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। स्वागत है। तो खेल नीति पर किसकी गलत सोच है इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहले खिलाड़ियों ने कहा था कि जो हरियाणा सरकार है उसकी नियत में ही खोट है। तो हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस खेल नीति के बारे में। कृष्ण जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाहते थे? मेरा एक मानना है, हमारा हरियाणा स्टेट इतना बड़ा स्टेट है, मान लो कोई भी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पोर्ट्समैन गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, तो मान लो कोई 7 से 10 खिलाड़ी होंगे, कोई रेलवे में कर रहा होगा, कोई आर्मी में कर रहा होगा जॉब, तो सारी इतनी बड़ी स्टेट है हमारी, 4 से 5 करोड़ का सारा मामला है। और मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट ने इसको आज मंत्री जी की मतलब ओर से भी कहा गया कि 1.25 लाख करोड़ का जिस राज्य का बजट, गवर्नमेंट ने इसमें इतना मतलब कटौती नहीं करनी चाहिए, खिलाड़ियों के पक्ष में करना चाहिए। एक 5 करोड़ रुपए के पीछे कितने बड़े हमारे केवल गोल्डन जुबली पे बर्बाद कर देते हैं हमारी हरियाणा, लोग सरस्वती नदी महोत्सव के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट कर लेते हैं, वो खिलाड़ियों को 4-5 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने में इस तरह की हुचक दिखा रहे, बड़ी हैरानी होती है। और मेरा ये मानना है इतनी बड़ी स्टेट है हमारी, तो एक 5 करोड़ का तो कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए, उससे क्या होता है अगर ये इसमें बड़ा आगे देते तो इसमें एक तो जितने भी स्पोर्ट्समैन है किसी भी गेम का है उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता, और युवा खिलाड़ी बच्चे आगे आते वो उसमें राज्य से और ज्यादा निकलते। अच्छा कृष्ण जी, आपसे एक मेरा सवाल, और दो एंगल से हम देखते हैं इस मामले को। एक एंगल ये है कि जो
दूसरे मंत्रालय से जो राशि मिल रही है, मान लीजिए 50 लाख रेलवे मंत्रालय से मिल रहा है और यहाँ से जो है पूरा करके राशि को 1.5 करोड़ किया जाता है। दूसरा एंगल ये है कि अगर उनको राशि देती है सरकार, हरियाणा सरकार, तो 2 करोड़ हो जाता है, जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी 1.5 करोड़ ही रहती है। इसको आप किस तरह से देखेंगे खिलाड़ी के तौर पर, अगर वहां खड़े आप 1.5 करोड़? मेरा ये मानना है, जो कोई भी खिलाड़ी किसी भी डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई भी विभाग से, उन्होंने भी मतलब राशि, मतलब राशि मनी देनी चाहिए। तो चलिए, उमेश अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अग्रवाल साहब, आपको नहीं लगता कि मामला गले की फांस हो सकता है सरकार के लिए? आप फैसला बदलेंगे तो यूटर्न होगा? ये विषय 4-5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए का नहीं है, विषय समानता का है। अगर हम उन खिलाड़ियों की राशि और बढ़ा देंगे तो फिर वही डिफरेंस बाकी रह जाएगा। मेरा सवाल ये था, को कैसे पूरा करेंगे? उमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल साहब, क्लैरिटी में क्यों नहीं लिखी कि हम जो है अमाउंट की कटौती करेंगे? अग्रवाल साहब, मैं, मेरा एक सवाल है, आपकी जो पॉलिसी है वो अग्रवाल साहब, मेरा एक सवाल आपसे, एक सवाल है, आप बोल रहे हो कि एक बार के लिए रुकिए, आप अगर आप यूटर्न लेंगे तो भी सरकार के लिए मुश्किलें होंगी, आप यूटर्न नहीं भी लेते खिलाड़ी आपके सामने आ गए हैं, वो खिलाड़ी जो कि देश का नाम रोशन करके आए हैं सरकार के खिलाफ, आपने कहा कि सुझाव पर विचार किया जाएगा शुरुआत में, फिर आपने गलत कहा, उस बात पे कायम है? नहीं, बिल्कुल कोई गलत नहीं कहा, सुझाव यही पॉलिसी और स्पीड जो पॉलिसी है वो यूटर्न की है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो स्पैट थी उसके अंदर ममता सोडा, उसके अंदर जो सुरेंद्र कौर थी, पर्वतारोही थी, उनको हमने डीएसपी बनाया, जब हमने उनको सारे पद दिए, अमाउंट दी, आपको आपको क्यों तकलीफ हुई, आपने क्यों इसको चेंज किया और आपने इसको स्पीड करके उसके अंदर ये लाइनें डाल के पॉलिसी को चेंज क्यों किया, और अब आप इस चीज को क्यों नहीं देना चाहते? क्या पॉलिसी बनाना या चेंज करना या कोई भी बात करना, ये सरकार का अधिकार है, सरकार को जो बेहतर लगता है, जो एक्सपर्ट से सुझाव आते हैं उसके अनुसार पॉलिसी बनाई जाती है। सरकार को बेहतर लगना चाहिए सर, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप नजर आ रही है। जिस तरह से उमेश अग्रवाल जी ने कहा उससे तो स्पष्ट लगता है कि डिक्टेटरशिप है, जो इनके मन में आएगा ये वैसा करेंगे, ना तो इनको स्पोर्ट्स से कोई लेना देना, ना या खिलाड़ी से कोई लेना देना, इनकी बातों से झलक रहा है। देखिए एक चीज और है बड़ी महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं समानता की बात, मुझे हैरानी होती है इनकी नीयत पे शक क्यों होता है। साक्षी मलिक का एग्जाम्पल हमारे सामने है, उस बच्ची से जो सरकार ने वायदा किया था उसको सरकार ने पूरा नहीं किया और उसको खुद सोशल मीडिया में आके ये बात उठानी पड़ी, ये भी याद रखना चाहिए अग्रवाल जी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, देखिए स्पोर्ट्स को कौन किस तरह लिया जाता है, कौन कहता है कि साक्षी मलिक का वायदा पूरा नहीं किया था? उमेश अग्रवाल जी मलिक साहब पूछिए, आप साक्षी मलिक से पूछिए, अरे उमेश जी आपको याद होगा जब साक्षी मलिक ने ट्वीट करके ये बात बोली कि सोशल मीडिया का सारा वायदा नहीं पूरा किया, वो खुद सोशल मीडिया में आई थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका ट्वीट बता रहा है, वादा पूरा किया होगा लेकिन सोशल मीडिया जब का वो आई लेने के बाद में, और फिर उसके बाद आपको याद होगा हमने खिलाड़ियों को जो कॉमनवेल्थ का मामला आज तक लटका हुआ है, ये भी आपको याद होगा, विद साहब मना करते हैं हम पे नहीं करेंगे, साक्षी मलिक के प्रोग्राम का जो प्रोग्राम सरकार ने रखा था उसका चाय पानी का बिल था, जो डिपार्टमेंट जो अविद साहब मना कर चुके हैं, वो आज तक इशू पड़ा हुआ है, आज तक मामला लटका हुआ है, तो ये तो सोच है आपकी खिलाड़ी के प्रति और खेल के प्रति। मैं जो बात कर रहा था, देखिए होता क्या है, हमारी सरकार थी उस वक्त तक वॉलीबॉल एक ऐसा खेल था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भारत की टीम ने कोई बेहतर नहीं किया था, लेकिन जब हरियाणा सरकार ने प्रोत्साहन दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वॉलीबॉल की टीम मेडल जीत के लाई, एचएसआई डिपार्टमेंट के अंदर बाकायदा इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने खिलाड़ियों की नौकरियों का प्रावधान किया और ये नहीं कुछ क्लर्क लगा दिया, मैनेजर मैनेजर जीएम तक खिलाड़ियों को लगाया गया। लेकिन विडंबना कहां होती है, जब व्यक्तिगत तुष्टिकरण की सोच सरकार बना लेती है, और व्यक्तिगत तुष्टिकरण में क्या हो जाता है, उस वक्त होता यह कि आने वाली सरकार ने उस टीम को ही खत्म कर दिया, यह है व्यक्तिगत तुष्टिकरण, जिससे खिलाड़ियों खेल का नुकसान होता है। सोच है आपकी, इनेलो कह रही है, उमेश जी हेलो, तुष्टिकरण की सोच है आपकी, इनेलो कह रही है, ये तुष्टिकरण का काम हमेशा इनेलो ने किया, ये तो आपका जो कार्यकलाप दिखा रहा है कि आप व्यक्तिगत तुष्टिकरण की वजह से खिलाड़ी कार्यकलाप तो आपके दिखा रहे हैं, आपने केवल 7-7 लाख रुपए दिए, अरे उस वक्त में केवल 7-7 लाख रुपए दिए, अरे 1.5 करोड़ रुपए दे रही है,
महंगाई की पोजीशन क्या थी और आज क्या पोजीशन है आपको याद है? मनी के प्रोसेस है, आने वाली सरकार को और बेहतर करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप सर 50-1 लाख रुपए को आज दिया था एवोल्यूशन ऑफ मनी के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, आज वो 10 करोड़ बन जाएगा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है देश के अंदर। आप महंगाई के हिसाब से कंपेयर कीजिए, रुपए की वैल्यू जो कम हुई है उसके हिसाब से। देखिए सर, आप तीनों को डिंगरा साहब, डिंगरा साहब, डिंगरा साहब, डिंगरा साहब, डिंगरा साहब, कम से कम खिलाड़ियों को पैसे मत दोगे साहब, पैसे मत दोगे साहब, खिलाड़ियों छोड़िए उस बात को, पैसों ही मत तो ले खिलाड़ियों को, कम से कम ये सोचे कि फिलहाल उनकी क्या नीड है, क्या जरूरत है, उसको आप पूरा कर पा रहे हैं? उमेश जी, आप दोगे कि नहीं दोगे ये बताइए। अग्रवाल जी, हम खिलाड़ियों की सभी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अरे आप सुन लीजिए, जितने स्टेडियमों का निर्माण किया है, खिलाड़ियों के साथ भेदभाव क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारियों ने खेल संस्थाओं पे कब्जा करके और खिलाड़ियों को खराब करने का काम किया। इससे बड़ा झूठ मेरे ख्याल से उमेश अग्रवाल जी कोई बोल नहीं सकते जो आपने बोला। अभय सिंह चौटाला थे जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 80 खेल नर्सरियां उस टाइम खुलवाई थी और हमारी टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसी दौरान पहुंची थी। जितना हमारे देखिए, ये तो खिलाड़ी जानते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने खेल के लिए जितना किया है, मेरे ख्याल देश की कोई दूसरी स्टेट नहीं कर पाई है, ये रिकॉर्ड बताता है। आप जाके रिकॉर्ड को चेक कीजिए, बजाय यहाँ पे एक राजनीतिक बयान देके अपने कर्तव्य की इतनी शुरू मत कीजिए। आपने कर्तव्य है कि आप खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाए। कृष्ण कुमार जी, आपको लगता है जो अभी कहा गया उमेश अग्रवाल की ओर से कि बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके साथ भेदभाव हो जाता है, उनके सुझाव शिकायतें आई, क्या लगता है खिलाड़ियों ने शिकायतें की होंगी अग्रवाल बाकी खिलाड़ियों को लेकर? अग्रवाल जी, मेरा ये कहना है खिलाड़ियों को किसी भी स्पोर्ट्स को राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम स्पोर्ट्स को राजनीतिक से जोड़ेंगे तो जो हमारा मतलब वर्ल्ड ओलंपिक है उस लेवल पर हम मेडल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक अलग चीज है, स्पोर्ट्स अलग चीज है। और ये एक इतनी बड़ी स्टेट के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी नहीं है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप 5 करोड़ की बजाय, मैं ये कहता हूँ इतनी बड़ी अपनी हरियाणा स्टेट है, इसमें 5-10 करोड़ को आप देखोगे तो हम कहाँ आज इस टाइम जो मतलब टाइम है जो कितने एडवांस हो चुका है। विदेशों को देखिए, दूसरे खिलाड़ियों के आप विदेशों को देखिए कहाँ आज वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा देश कहाँ स्टैंड कर रहा है। लेकिन हम अगर हम कोई सिस्टम चेंज नहीं करेंगे और कोई पैसे कोई प्रोत्साहन खिलाड़ियों का प्रोत्साहन नहीं करेंगे। खेल को राजनीति से जोड़ने का काम उन लोगों ने किया जिन्होंने खेल एसोसिएशनों पर कब्जे किए। देखो सर, मेरी आपसे एक सुनो सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं या तो मैं किसी राजनीति को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, मेरा एक है कि हम स्पोर्ट्समैन हैं। मेरी एक ही आपसे गुजारिश है, खिलाड़ियों के लिए ये इतनी बड़ी स्टेट है, 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी नहीं है। आप ऐसी नीति बनाओ, ये 5 क्या है उसको 10-10 करोड़ में मिले खिलाड़ियों को, और उससे देश का ओलंपिक वर्ल्ड लेवल पे मेडल गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज आए देश के। अभी तो 1-2-4 आ रहे हैं, 10-10-20-20-50-50 आए, छोटी छोटी कंट्री 10-10-20-20-30-30 गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं और हमारा इतना बड़ा देश है। गणित आप लगाते हैं सिस्टम से, एक सिस्टम सर एक सिस्टम से, एक सिस्टम से मेडल आते हैं। और ये जब तक हम अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन नहीं करेंगे और युवा कहां से निकल जाएंगे? प्रवीण जी, आप ये बताइए कि खेल को राजनीति से जोड़ने का काम किसने किया? आप कर रहे हो साहब, दिख रहा है आपके सामने, आप सर अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, क्या किया अगर आपने खिलाड़ियों के लिए अभी तक क्या किया? अगर आपने पैसों में कटौती कर दी थी, आपको ठीक नहीं लगी थी तो आप सरकार में भागीदार क्यों रहे फिर? अगर सरकार से समझ में नहीं आ रही बात, आप अग्रवाल जी किस तरह की बात कर रहे हैं? आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का सकारात्मक ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के ठीक काम नहीं कर रही थी आईएनएलडी, तो अच्छी बात है फिर आप छोड़ते हैं उस समय, और इसका मतलब उस समय आपको अच्छी लग रही थी सरकार। उस वक्त जितना स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये वोट आप दोगे या नहीं दोगे?
ये वाली जो रद्द कर दी आपने जो मीटिंग जो अमाउंट, उमेश अग्रवाल जी आपसे बहुत सरल सवाल है, मेरा बहुत सरल सवाल है, 26 अप्रैल को सम्मान समारोह आयोजित होना है, 25 अप्रैल को शाम को जानकारी दी जाती है, जानकारियां भी किस तरह से दी गई उस पर भी हमने चर्चा की कि स्थगित कर दिया गया है, अभी तारीख निर्धारण को लेकर भी फैसला नहीं लिया गया, क्या बहुत सही है इस तरह से सम्मान समारोह को स्थगित किया जाना? नहीं, इसका निर्णय करने के बाद कि खिलाड़ियों को राशि किस तरह से की जाए, खिलाड़ियों की राय लेने के बाद, उनके एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद बहुत जल्दी स्थिति से निर्धारित की जाएगी। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है कि उसी वर्ष उसी महीने में हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देना चाहते थे, लेकिन पिछली सरकार अग्रवाल साल के बाद ये हुआ अग्रवाल सर किस साल के बाद दिया गया? अग्रवाल जी अग्रवाल इसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे ये बता दीजिए। आप अग्रवाल जी आप बोल रहे हो कि खिलाड़ियों से हम राय लेंगे, खिलाड़ियों से राय लेंगे, हम स्टूडियो में आए हैं, ये आपको राय भी दे रहे हैं और इसको आपको हम एक रिक्वेस्ट भी करें, आपको हम इसी रिक्वेस्ट भी करेंगे अग्रवाल जी, एक सेकंड, राय का भी सम्मान करेंगे और अन्य खिलाड़ियों की राय का भी सम्मान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने ये करना चाहिए अग्रवाल जी, ये आप इतनी बड़ी स्टेट है हरियाणा से, ये हर बात पर अभी उमेश अग्रवाल जी को आप सुन रहे हैं कि सुझाव का भी सम्मान किया जाएगा, सुझाव स्वीकार भी किए जाएंगे, अपनी बात पर बने भी रहेंगे, क्या बीच का रास्ता निकालेगी फिर बीजेपी? देखिए ऐसा है ज्योति, जिस सरकार के पास ना नियत हो ना नीति हो वहां पे इस तरह के हालात पैदा होना स्वाभाविक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, और इस वक्त यहाँ पे भी यही हो रहा है, सरकार की नियत नहीं है और सरकार के पास कोई स्टीक नीति नहीं है, ये बात तो इन्हीं की पार्टी के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी कह चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये कहते हैं सुझाव खिलाड़ी यहाँ बैठ के दे रहे हैं, उन्होंने बार बार ये बात बोली है कि आप खिलाड़ियों से इस तरह भेदभाव मत कीजिए, उनकी नाम राशि उन्हें दीजिए, तो उमेश जी आप इस सुझाव को मानते हुए यहीं पे घोषणा कीजिए कि हम खिलाड़ियों को जिस तरह से घोषित है उस तरह से नाम देंगे, तो फिर आप प्रवक्ता हो भाई, आप फिर यहाँ प्रवक्ता के तौर पे बैठे हो, सरकार की कोई पॉलिसी सरकारी भी है और आप तो विधायक भी हो सरकार के अंदर, अगर आपको लग रहा है कृष्ण जी सही कह रहे हैं तो उस बात को एक्सेप्ट कीजिए, अगर आपको लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी नियत में खोट है, सरकार की नियत में खोट है, आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपका काम है चीजों को कॉम्प्लिकेट करना, चीजों को कॉम्प्लिकेट करके उलझाना, लगातार 4 साल से आप कर क्या रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, वरना तो आप इनका सुझाव मान के इसी वक्त बोल सकते थे, पूरे प्रदेश ने आपका समय देखा है, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि हमने जो स्पोर्ट्स को जितना प्रोत्साहन दिया, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ियों को लेके हम ही गए पहली बार, हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक हमारी सरकार ने पहली बार जीता और हमने ही 80 नर्सरी स्पोर्ट्स भी हरियाणा प्रदेश में बनाई जो आप लोगों ने बंद कर दिया। जो स्पोर्ट्स के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप रिपोर्ट निकल आगे देख लीजिए उमेश जी, जो अजय सिंह चौटाला ने स्पोर्ट्स के लिए किया आज तक कोई कर नहीं सका, स्पोर्ट्स को हरियाणा को प्रोत्साहन दिया उन्होंने, नहीं क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, सुनिए सर सुनिए, सुनेंगे तो जवाब दे पाएंगे ना, आरोप प्रत्यारोप, क्या ये विरोधाभास नहीं, आप एक बार कहते हैं कि सुझाव माने जाएंगे, दूसरी बार आप कहते हैं अपनी बात पर अड़िग रहेंगे, फिर संभव क्या होगा, स्थिति क्या होगी वो बताइए ना, तस्वीर को साफ कीजिए। सुझाव सुनने का मतलब ये नहीं है कि किसी बात पे अड़िग रहेंगे या किसी बात को मान ही लिया जाएगा, सुझाव का मतलब होता है उस पर विचार करना, सुझाव का मतलब ये नहीं है कि जो एक व्यक्ति ने बैठ करके तो कहीं से कह दिया, और ना ये प्लेटफॉर्म है के दौरान एक 1.5 साल जो बचा आपका टाइम का दौरान आप इन लोगों को अमाउंट खिलाड़ियों को दे देंगे या नहीं देंगे ये तो बता दीजिए, कोई डेट निर्धारण होगी इस पॉलिसी को चेंज करेंगे तो डेट निर्धारण होगी, कांग्रेस का सवाल है, मेरा सवाल ये है कि ये जो डेट ये जो इसमें आपने कैश मनी का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हरियाणा वाली ये लाइन आप क्लॉज इसमें से हटा के सारे लोगों को आप पूरा अमाउंट देंगे या नहीं देंगे या कब देंगे ये भी बता दीजिए, ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है, किसका विषय है, कम से कम विपक्ष का सम्मान तो कीजिए, विपक्ष का काम होता है ऐसी बातों को सरकार के सामने लाएं जो जनता के हित में ना हो, जनता का भला हो, सरकार की सोच बदले, ये विपक्ष का काम है, और अगर विपक्ष ये मान उठाता है तो आप कैसे कह सकते हैं आपका काम नहीं है, आप कम से कम उस बात में गोल तो कीजिए, विपक्ष आपको जिगाने की कोशिश कर रहा है, खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, ये सवाल कोई भी करे इसके जवाब का इंतजार पूरे हरियाणा को है कि आप कब सम्मान की जो राशि है वो देंगे और कब तक एक्सपर्ट की राय लेंगे और कब ये तारीख निर्धारित की जाएगी, सुझाव लेने हैं तो सुझाव कब तक लिए जाएंगे, सुझाव लेकर माने जाने की संभावनाएं कितनी है, इतने सवाल हैं और जवाब बहुत सटीक आप जवाब नहीं दे पाए, बताइए वो सुझाव लेकर के और तारीख निर्धारित करके आपको तुरंत बताएंगे।
तुरंत बताएंगे गुरमेल जी। हालांकि इंतजार का विषय है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। क्या आपको लगता है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे रखे होंगे जो शिकायतें कर दे कि दूसरे खिलाड़ियों को ज्यादा राशि ना दी जाए? गुरमेल जी, ये तो मैडम क्या नाम है, फलन जी, आप बताओ जी। कृष्ण जी बोलिए। क्या जी? जिस तरह से जो खिलाड़ी है, दोनों एंगल से, जैसे कि हमने आपसे बात भी की है, एक तरफ हरियाणा के खिलाड़ी हैं जो हरियाणा सरकार में ही नौकरी भी कर रहे हैं या हरियाणा सरकार में नौकरी पा भी सकेंगे, दूसरी तरफ रेलवे मंत्रालय के जो खिलाड़ी है रेलवे की तरफ से खेल रहे हैं, अगर दोनों की तरफ आप रहे तो किस तरह की सोच रहेगी? कहीं ना कहीं परेशानी तो आपके मन में भी रहेगी ना इस मामले को लेकर, क्योंकि सरकार तारीख तक बताने रही है सम्मानित करने को लेकर। मेरा तो ये मानना है, मान ले रेलवे से कोई भी पार्टिसिपेट किया है, रिप्रेजेंट किया है इंडिया को रेलवे से, तो कोई नहीं है। मान ले जो जहाँ पे मूल निवासी है, जहाँ पे जिसने जन्म लिया है, मान ले हरियाणा स्टेट में लिया है, तो उसको जो हरियाणा गवर्नमेंट ने खेल नीति बनाई है उसके तहत उसको पूरी राशि मनी देनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, मान ले रेलवे उनको दे रही है या कोई डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, तो उन्होंने भी उनको देना चाहिए। तो तभी तो सरकार को खिलाड़ियों के प्रति सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। सरकार की सोच इस वक्त खेलों खिलाड़ियों के प्रति नकारात्मक है, जो कतई खिलाड़ियों के और खेल के हक में नहीं है। और इस तरह की सरकार की सोच हरियाणा के खेलों को नुकसान पहुंचाएगी, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार ने जो इनामी राशि घोषित की है वो देखिए, ये सरकार कोई भी अमाउंट देना नहीं चाहती है, इसीलिए खिलाड़ियों को घुमा घुमा के सिर्फ एक ही बात गोल गोल घुमा रही है कि हम देंगे, सोचेंगे, करेंगे, लेकिन पॉलिसी को और डेट को रद्द कर दिया गया है और अब डेट कब होगी ये भी मालूम नहीं है। तो ये सरकार सिर्फ खिलाड़ियों को घुमाना चाहती है, कोई अमाउंट देना नहीं चाहती। स्पैट में सारी अमाउंट खिलाड़ियों को दी जाती थी, स्पीड में सारे खिलाड़ियों की अमाउंट को खत्म करने का काम ये सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो विषय ये था कि पहले खिलाड़ी थे, विपक्ष भी था, अब सरकार के मंत्री भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार चाहती है सम्मानित करने वाले, लेकिन डेट बताना नहीं चाहते कि कब तारीख तय की गई, कब एक्सपर्ट से राय ली जाएगी और जो खिलाड़ियों से बातचीत की जाएगी वो कौन खिलाड़ी होंगे, किनसे राय ली जा रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हमारी नजर बनी रहेगी कि कब खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तो इन सवालों के जवाब लिए फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।